हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ सबसे ज्यादा बजिंग स्टॉक जो कहीं ना कहीं आजकल इतना ज्यादा लाइमलाइट में है, अदानी ग्रुप का स्टॉक है अदानी विलमार। रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं अदानी विलमार के, और आपको बता दूं कैसे रहे रिजल्ट्स, इसके बारे में बात करेंगे। स्टॉक की बात करूं तो करीब करीब 878 का स्टॉक में 52 वीक हाई लगा, और वहां से दो तीन दिन से कंटिन्यू गिर रहा है ये स्टॉक। 753 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिखाया आज के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ, 3.5% गिरकर बंद हुआ है। स्टॉक की बात करूं, कंपनी ने अपने रिजल्ट्स पेश करे हैं, रिजल्ट्स देखेंगे और उसके बाद जानेंगे इस स्टॉक में कल से कैसी मोमेंटम रह सकती है, इसके बारे में बात करूंगा आप सभी के साथ। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए समझ आए तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। एक चीज और कहना चाहूंगा गाइस, अगर आपके किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज शॉर्ट बनाऊंगा, बट आपके लिए कुछ ना कुछ पक्का बनाऊंगा, इतना मैं शेयर कर सकूं। अदानी विलमार लिमिटेड यानी AWL, जो स्टॉक काफी टाइम से बड़ा रिटर्न देता हुआ दिखाया आप सभी को, इस स्टॉक के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आपको इसके रिजल्ट्स मैं बता देता हूं, और रिजल्ट्स बताते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि रिजल्ट्स लाइन रिजल्ट्स नंबर्स के हिसाब से आप देखो रिजल्ट्स को, तो रिजल्ट्स बेकार है, सिंपल। अब मैं आपको बताता हूं स्टॉक का प्राइस एक्शन बाद में डिस्कस करेंगे, रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूं पहले, और रिजल्ट्स बेकार लगे मुझे। अभी देखिए क्यों कह रहा हूं मैं सर, अदानी विलमार क्वार्टर फोर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रुपीज 2.34 बिलियन रुपीज वर्सेस 3.15 बिलियन ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि कंपनी का इस बार का प्रॉफिट 234 करोड़ रुपए का हुआ है, 315 रुपए से घटकर 315 करोड़ रुपए से, तो 315 करोड़ रुपए से घटकर कंपनी का प्रॉफिट 234 करोड़ रुपए आ चुका है। तो आपने देखा ऊपर से करीब करीब 40% की गिरावट आई है कंपनी के प्रॉफिट में। अब इस स्टॉक के रेवेन्यू की बात करूं तो यहां अच्छी खासी जंप देखने को मिली है, 149 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू आता हुआ दिखा है 106 बिलियन रुपीस के मुकाबले, यानी रेवेन्यू अच्छा हुआ बट कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट उतना जंप करता हुआ नहीं दिखा है। अच्छा, अब मैं इसका मार्जिन बताने जा रहा हूं, एबिटा की सबसे पहले बात करूं तो 4.26 बिलियन का एबिटा है 3.54 बिलियन रुपीस के मुकाबले, ये भी अच्छा बढ़ा है, लेकिन एबिटा मार्जिन में गिरावट आई है, 3% पे आते हुए दिखे एबिटा मार्जिन 3.32% से गिरकर। तो ओवरऑल मुझे देखें तो प्रॉफिट के नंबर्स खराब आए हैं, एबिटा मार्जिन के नंबर्स पे गिरावट देखने को मिली है, और ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, जो दोनों ही खराब दिख रहे हैं मुझे। अब स्टॉक प्राइस पे बात करूं तो मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ 700 रुपीज से इसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहा हूं। स्टॉक हालांकि 878 तक गया, मैंने वीडियो बनाई थी 840 पे, अगेन कि मैंने काफी ज्यादा लोगों से शायद 20% पैसा छूट गया लोगों का, मेरी वजह से, मेरे व्यूअर्स का, बट मैं फिर भी यही कहना चाहता हूं हम लोग मार्केट से 100% नहीं निकाल सकते, हमें जो लेवल्स लगते हैं कि हाँ अब हमें, मैंने आपको 400 से बाइंग स्टार्ट करवाई और मैं 700 पे प्रॉफिट बुक करा रहा हूं, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है यार, वो आपको दो तीन महीने में इतना बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है, तो वहां हमने अगर प्रॉफिट बुक करा तो देखिए आज भी अगर किसी ने 800 पे खरीदा ना वो फंस गया, अब वो बेचने की कोशिश कर रहा है, वो बस ये चाहता है कि 800 पे कैसे भी आ जाए, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। यहां पैसा बन रहा है प्रमोटर्स का, रिटेल इन्वेस्टर तो लॉस ही ले रहा है, मैं आपसे बता दूं अदानी पावर में भी आपने यही देखा था। अब इस स्टॉक के बारे में बात करें कैसा रह सकता है इसमें मोमेंटम, उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इस स्टॉक पे लोगों के नजरों में गलत बन चुका हूं, क्योंकि मैं इस पे सेल की राय दे रहा हूं और स्टॉक भी गिर रहा है, बट फिर भी वही 700 से जो मेरी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को खराब लग रही है, मैं अभी भी उसी पे कायम हूं क्योंकि मुझे इस स्टॉक के वैल्यूएशन समझ ही नहीं आते। आप कह रहे हो कि FMCG का दिग्गज है, मैं भी बोलता हूं हाँ भाई मार्केट लीडर है, फॉर्चून ब्रांड है, बहुत बड़ी ब्रांड है, बट इस वैल्यूएशन पे यहां से ठीक नहीं है। देखिए इंफोसिस जैसा बड़ा IT कंपनी भी कहीं ना कहीं 1900 जब पहुंचा था ना 34-35 के पीपे था, आज वो भी 28 के पीपे ट्रेड कर रहा है और आज उसमें डर लग रहा है लोगों को, ये तो फिर भी था। बस इसमें अभी जो जोर है वो अदानी का है, गौतम अदानी जी का, जो कि एक पावर नेम चल रहा है इस टाइम मार्केट में, जो भी नाम है जिस ना अभी तो, अभी तो आप कोई भी स्टॉक उठा के अगर अदानी लग गया ना उस स्टॉक के पीछे तो उसके वैल्यूएशन अनाप शनाप हो जानी है, तो वही सीन चल रहा है। बट जैसा कि एक बार राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वैल्यूएशंस मैटर करते हैं, आज नहीं करेंगे लेकिन आने वाले साल में करेंगे, आने वाले 2 साल में करेंगे, लेकिन हाँ वैल्यूएशन मैटर करेंगे, तो वही मैं आपसे कहना चाहूंगा मुझे स्टॉक इन लेवल्स पे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और इस स्टॉक में देखा जाए तो बेशक ये अपर सर्किट लगा दे बट मैं फिर भी आपसे ये कहूंगा कि इस स्टॉक से या तो अवॉइड करने की कोशिश करें, और अगर आपका फेवरेट स्टॉक है क्योंकि पैसा बन रहा है लोगों का तो ऑब्वियस सी बात है फेवरेट है, तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही काम करें, क्योंकि अगर ये गिरना स्टार्ट हुआ तो आपको सर्किट टू सर्किट नीचे जाता हुआ दिखेगा, आप बेच नहीं पाओगे, मैं आपसे फिर कह रहा हूं आप बेच नहीं पाओगे,
हैवी क्वांटिटी में काम बिल्कुल ना करें। एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर इस स्टॉक के लेवल से आप लोग मेरे से पूछना चाहो तो कहीं ना कहीं 670 रुपीज का ऐसा लेवल है जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए, और उससे पहले 700। यानी अगर कल लोअर सर्किट लगाता हूं दैट मीन्स स्टॉक आगे चल के आपको 2-3 दिन लगातार लोअर सर्किट दिखा सकता है जहां स्टॉक में बड़ी गिरावट हो जाएगी। लेकिन अगर कल नॉर्मल ट्रेड हुआ तो आप सोच सकते हो अभी इसमें ऊपर की तरफ का मोमेंटम जारी है, क्योंकि जिस दिन भी नीचे गिरता है वॉल्यूम्स मिसिंग होते हैं, लेकिन जिस दिन ऊपर जाता है वॉल्यूम्स हैवी होते हैं स्टॉक में। दैट मींस बायर्स आ जाते हैं, ऊपर से कोई बड़ी खरीदारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें अभी तेजी और बन सकती है। बट रिजल्ट्स अच्छे नहीं रह गए, अगर रिजल्ट्स के दम पे कल से गिरना शुरू हुआ तो सावधान और एग्जिट के मौके ढूंढें, क्योंकि फिर स्टॉक में गिरावट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा मेरा व्यू और रिजल्ट्स मैंने आप सभी के साथ जो डिस्कस करे, मुझे रिजल्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं आए। शायद आपको मैंने नंबर्स बताए तो आपको भी पसंद आए हो, प्रॉफिट काफी ज्यादा डिक्लाइन होता हुआ दिखाया, मार्जिन में भी प्रेशर है। तो ये थे आपके लिए मेरी अदानी बिलमार की वीडियो, आप सभी को समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।